करिश्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। पॉपुलर टीवी शो द कपिल शर्मा शो के चाहने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। सुनने में आ रहा है कि सोनी चैनल शो बंद करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपना इरादा बदल दिया है। पिछले दिनों खबर आई थी कि सोनी टीवी की रैंकिंग कम हो रही है और साथ ही कपिल सुनील की लड़ाई से सोनी की इमेज खराब हो रही है, जिसके चलते चैनल ने शो बंद करने का फैसला किया। साथ ही कपिल का बाकी टीम मेंबर्स के साथ दुर्व्यवहार सोनी टीवी को हजम नहीं हुआ। कपिल सोनी के विवाद के कारण शो के कलाकार अली असगर, सुगंधा मिश्रा और चंदन प्रभाकर ने कपिल का साथ छोड़ दिया है और इस वजह से चैनल वालों को भी खासी परेशानी हो रही थी। चैनल नहीं चाहते कि इनमें से किसी भी कलाकार को कोई रिप्लेस करे, लेकिन अब चैनल ने बड़ा फैसला लेते हुए शो बंद नहीं करने का फैसला किया है। जी हाँ, चैनल से जुड़े एक सोर्स ने बताया है, फिलहाल ये शो बंद नहीं होगा। यदि कोई और निर्णय लिया गया तो हम इसके बारे में मीडिया को सूचित करेंगे और एक बयान जारी करेंगे। जहाँ तक आने वाले एपिसोड का संबंध है, हमारे पास कुछ एपिसोड का बैंक है, लेकिन हम भविष्य के एपिसोड के लिए कुछ नया सोच रहे हैं। पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कपिल ने ये बात साफ कर दी थी कि राजू श्रीवास्तव, एहसान कुरैशी और सुनील पाल को शो का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। ये एक कॉम्बो खास एपिसोड था जिसमें कभी कॉमेडियंस को बुलाया गया था। आपको बता दें, 16 मार्च को कपिल शर्मा और उनके टीम मेंबर्स मेलबर्न से दिल्ली आ रही फ्लाइट के बिजनेस क्लास में सफर कर रहे थे। उस वक्त कपिल ने काफी शराब पी हुई थी। इसके बाद कपिल अचानक शोर मचाने लगे और उन्होंने अपने साथी कलाकारों से बदतमीजी भी की। इस दौरान फ्लाइट के केबिन क्रू ने कपिल से शांत बैठने को कहा। शराब पीने के बाद कपिल के द्वारा किए गए व्यवहार से निश्चित तौर पर सुनील पूरी तरह शॉक्ड हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।